नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं मथुरा से दिल्ली आ गया और मैंने अपर क्लास वेटिंग हॉल में वेट करते करते अपना फ़ोन, कैमरा, पावर बैंक सब कुछ अच्छे से चार्ज भी कर लिया। आज मैं थोड़ा कल से बेटर फील कर रहा हूँ, पर मेरा वॉइस वैसे ही है, खराब हो चुका है कोल्ड ड्रिंक्स के कारण से। मेरा मथुरा में स्टे बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे मंदिर है दोस्तों। मैं सारे मंदिर को विजिट नहीं कर पाया, पर फिर भी मेन मेन प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, जैसे मथुरा, वृंदावन, गोकुल और फिर गोवर्धन, बरसाना, ये सारे मेन प्लेसेस है। अभी दिल्ली में 11 बज चुके हैं और मैं चलता हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को एक्सप्लोर करने। मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा रेड फोर्ट। अभी मैं भारत का राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक में आ गया हूँ। इसका नाम लाल किला है, रेड फोर्ट। ये मुगल एम्पायर शाहजहां ने बनाया था, जब उन्होंने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था तब। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर एक वर्ष अगस्त 15 इंडिया का इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग चेंज होता है और प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं यहाँ पे। इसका एंट्री टिकट 50 रुपी है, म्यूजियम का 50 रुपी। पर यहाँ पे मैंने म्यूजियम का टिकट नहीं लिया और मैं इंडिया में म्यूजियम देखते देखते बोर हो गया, सो मुझे और म्यूजियम नहीं देखना, सिर्फ इसका आर्किटेक्चर देखने आया मैं। इंडिया में दो लाल किले हैं और रेड फोर्ट है। एक तो आगरा में है, आगरा का आगरा फोर्ट, और दूसरा ये दिल्ली का रेड फोर्ट। दोनों ही मुगल एम्पायर ने बनाया है और दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। सिमिलर आर्किटेक्चर है दोनों का, पर फिर भी दोनों मॉन्यूमेंट इजीली आइडेंटिफाइएबल है। यहाँ पे बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट मौजूद है। ये कुछ खास जगह नहीं है दोस्तों, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को विजिट करने के लिए। इसके डिजाइनर भी जो ताजमहल के डिजाइनर थे वही है, आर्किटेक्चर मुगल आर्किटेक्चर है। इंडिया में जितने भी मुगल आर्किटेक्चर है उनमें से ज़्यादातर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। मेरे पीछे दिल्ली का जामा मस्जिद, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मस्क है। इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट मस्क भोपाल में है, उसका नाम ताज उल मस्जिद है। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है इसका। ये मस्जिद भी मुगल एम्पायर शाहजहां ने बनाया था और ये रेड फोर्ट के सामने ही है। इधर से देखो दिख रहा है रेड फोर्ट दिल्ली का, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है इसका। यहाँ पे मैंने एक लोकल ड्रिंक ट्राई किया, मोहब्बत का शरबत, और ये भी मैंने ट्राई किया, दोनों एक ग्लास इतना तक आया ना, 20 रुपी का एक ग्लास है। ये जामा मस्जिद मुगलों का फैमिली मस्जिद हुआ करता था, इसी कारण से ये रेड फोर्ट के सामने ही है। मैंने रेड फोर्ट से 403 नंबर की बस पकड़ के निज़ामुद्दीन आ गया। यदि आप हुमायूं ट्रंप कहेंगे तो बस वाले नहीं समझते, आपको निज़ामुद्दीन बोलना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ये मैं बाद में समझा। मैं हुमायूं ट्रंप बोल रहा था पर मेरा बहुत सारा बस मिस हो गया, मैं बहुत ही वरी था। और फिर मैंने
एक आदमी से पूछा और उसने बोला निजामुद्दीन जाएगा, वो पुलिस ऑफिसर था, तो मैं निजामुद्दीन आया इधर। मुझे 10 रुपये पे करने पड़े रेड फोर्ट से हुमायूं टॉम्ब आने के लिए। अब मैं चलता हूँ हुमायूं टॉम्ब को एक्सप्लोर करने। हुमायूं टॉम्ब भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हुमायूं अकबर के पिता थे, अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर। ये हुमायूं टॉम्ब बेगा बेगम ने बनाया था। बेगा बेगम हुमायूं के चीफ इम्प्रेस थी और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट गार्डन टॉम्ब। इधर बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट मौजूद है। अब मैं चलता हूँ ऊपर और फिर दूसरे टॉम्ब को एक्सप्लोर करने। इधर बहुत सारे टॉम्ब है। इस्लामिक कल्चर में जन्नत में जैसा गार्डन होता है वैसा ही आर्किटेक्चर का गार्डन ये पहला गार्डन है। दोस्तों मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये सारे चीज़ों की हिस्ट्री मुझे मालूम है, फिर भी इंग्लिश में व्लॉगिंग करता तो ईजिली एक्सप्लेन कर पाता। यहाँ पे ऐसे मुगलों परिवार की बहुत सारे टॉम्ब है दोस्तों। मुझे राइस के लिए कुछ किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा पर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, इसलिए मैं एक लोकल फूड ट्राई करूँगा यहाँ पे। इसका नाम है छोला कुंजो विथ माजा। बहुत गर्मी है इधर। मैं हुमायूं टॉम्ब से आश्रम गया और आश्रम से 413 नंबर की बस पकड़ के इधर कुतुब मीनार आ गया। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट मिनरेट टावर है, ब्रिक्स से बना हुआ। ये हिंदू और जैन टेंपल को तोड़कर ये बना। इसे द टावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि मुगलों ने हिंदू राजा को पराजित करके इंडिया पर शासन किया। इसका हिस्ट्री थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। यह भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका एंट्री टिकट भी 40 रुपी है, हुमायूं टॉम्ब जैसे ही। एक आदमी ने मुझसे बोला था कि तू मत जाओ, 5 बजे बंद हो जाता है। फिर मैंने इंक्वायरी किया दूसरे आदमी से और उसने बोला कि 7 बजे बंद होता है। फिर भी मैं यहाँ पे आता, बंद भी हो गया होता तो ये दूर से इसका आर्किटेक्चर दिखता है। यदि आप कभी भी दिल्ली आइएगा तो इसका आर्किटेक्चर दूर से ही देख सकते हैं। अंदर आएंगे तो इसके भग्नावशेष देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे ये 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इनलिस्ट हुआ था और पहले इसको क्लाइम करने का अलाउ था पर 2000 के बाद कुछ चिल्ड्रेन के साथ इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग इसके फर्स्ट स्टोरी में जाके सुसाइड भी करते थे, इसी कारण से इस पर चढ़ना बैन कर दिया गया। इस मॉन्यूमेंट का जितना भी रिकॉर्ड्स है, हिस्ट्री है, ये सब एजम्पशन है, कोई भी श्योर नहीं। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी श्योर नहीं इसका हिस्ट्री के बारे में, इसका फॉर्मेशन डेट, इसका रीजन, बैकग्राउंड एक्चुअल नहीं। दोस्तों वो कब्रिस्तान एरिया है, वो दिन में खुला रहता है और शाम को बंद हो जाता है। शायद यही एरिया के कारण से इंटरनेट में लिखा था कि 5 बजे बंद हो जाता है कुतुब मीनार, पर ये रात तक खुला रहता है 9 बजे तक, और यहाँ के क्लॉक रूम जो है वो 7:45 बजे तक खुले रहते हैं। मैं पहले सोच रहा था कि क्यों इंडिया में मुस्लिम और हिंदुओं का इतना विवाद है,
और इधर आकर मुझे आंसर मिल गया एक्चुअली मुझे गुस्सा फील हो रहा है पूरा मुग़लों का हिस्ट्री पढ़कर उन्होंने हमारा मंदिर भटकाकर और ऐसा मोनूमेंट्स बनाया। ये तो वैसा ही ये किसी दूसरे का घर भटकाकर अपना घर बनाना व महल बनाना अच्छा नहीं है। ये बात है बहुत सारे कारणों से इंडिया में मुस्लिम और हिंदुओं का विवाद होता रहता है बेला बेला में और दिल्ली ही ऐसा सिटी है जहाँ पे मैंने देखा हर एक बसेस में एक पुलिस अनिवार्य रूप से रहती है ताकि क्राइम ना हो। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सेफ है दिल्ली, कितना सेफ है वो सिटी जहाँ पे हर एक बसेस में एक पुलिस अनिवार्य रूप से रहती है। यहाँ पे लाइट भी जल गया अभी, रात को 9 बजे तक खुला रहता है ये और यहाँ का क्लॉक रूम्स पौने 8 बजे तक खुला रहता है। इधर अलाउ नहीं है पर फिर भी मैं आ गया इधर। यहाँ पास में एयरपोर्ट है इसी कारण से बहुत सारे प्लेन पास हो रहे हैं और ये है सन डायल। मैं कुतुब मीनार से 20 रुपये पे करके 534 नंबर बस से लोटस टेंपल आया पर ये बंद है। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आर्किटेक्चर देखना चाहता था इसका, अभी देख लिया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ इंडिया गेट। यहाँ का रेलवे मुंबई के रेलवे से बहुत ही डेवलप है। दोस्तों मैं मेट्रो से लोकल टेम्पल से केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन उतरा और यहाँ से मैं ऑटो से इंडिया गेट जा रहा हूँ। 50 रुपये मुझे पे करना पड़ा है इन्हें, इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ से 2 किलोमीटर है इंडिया गेट। फाइनली मैं अभी इंडिया गेट आ गया। इंडिया में दो इंडिया गेट है, एक तो मुंबई में है और दूसरा ये। इस पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसी कारण से अंदर जाना अलाउ नहीं है। 84,000 सोल्जर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मर गए थे उनका मेमोरियल के लिए ये गेट बनाया गया था। दोस्तों ये मेरी हेल्प करने वाले ऑटो ड्राइवर बिहार के हैं, इनका घर और मेरा घर पास में ही है। मेरा लेग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कुछ घंटे पहले, आज ही मेरा ट्रेन है दोस्तों, इसी कारण से मुझे जल्दी से रेलवे स्टेशन जाना पड़ रहा है। मेरा आज दिल्ली में पहला दिन था और पहले दिन में ही मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारे विजिट कर लिए अच्छे से। मेरा आज का दिन स्पेशल रहा। शुरुआत तो बैड लक से हुआ क्योंकि मैं ट्रेन में सोया हुआ था, जैसे ही उठा मैंने लोकल आदमी से पूछा मेन रेलवे स्टेशन दिल्ली का यही है क्या, और उसने बोला हाँ यही है, तो मैं बाहर निकला पर वो एक सुनसान रेलवे स्टेशन था और वहाँ पे एक ही पुलिस ऑफिसर था। उसने बोला कि यहाँ पे बहुत रिस्की है, यदि मैं नहीं होता और तुम सो गए तो कोई गर्दन काट के तुम्हारी बैग ले जाएगा, ऐसा डेंजरस प्लेस है। फिर मैं यहाँ पे सिटी में आया तो हर एक बसेस में मैंने पुलिस ऑफिसर्स देखे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डेंजरस शहर है। दिलवालों का दिल्ली सिर्फ कहने को है, इनको मुझे
टोटल 150 रुपये करने पड़ेंगे। इन्होंने मुझे बहुत डिस्काउंट दिया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से मैं वाराणसी जाऊँगा। इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और शुभ रात्रि।